यहाँ पे मेरा घर दिख रहा है, जो पुराना घर था ये रहा सामने। तो यहाँ और यहाँ पे बात करते हैं आर्मी के जवान यहाँ पे हमारे गांव के, तो आपको कैसा लग रहा बहुत टाइम बाद घर में आके। और दोस्तों यहाँ अंदर चलता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मुझे अभी पता चला, देखिए यहाँ पे क्या भयंकर नजारा है। देखिए यहाँ पे दरार पड़ चुकी है, देखिए ये रहे वो ताई जी गाँव के है। अच्छा तो ये स्थिति कब से हो रही है? हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भाई नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड की खूबसूरत आदि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका है। दोस्तों आज आपका भाई जा रहा है अपने ओल्ड होम टाउन में, पैतरा गांव में। तो मेरे गांव का नाम है नौबाड़ी। तो दोस्तों वहां पे कुछ यादें ताजा होंगी आज पुरानी वाली। तो दोस्तों काफी मजा आएगा इस वीडियो में, दोस्तों आप लोगों को भी और मुझे भी। दोस्तों वीडियो में बने रहे प्लीज। और दोस्तों देखिए मैं गांव की तरफ चल दिया, देखिए रहा रास्ता, सड़क से नीचे जाना मैंने, और देखिए यहाँ से नीचे नीचे जा रहा, देखिए मजा आ रहा भागते हुए। ऐसा ही रास्ता है यहाँ पे, देखिए मजा आ रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जाऊंगा मैं नीचे, देखिए ये रहा रास्ता गांव के जाने का। तो यहाँ से कम मतलब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है गाँव। तो दोस्तों चलता हूँ मैं वहाँ पे गाँव में मिलूंगा अभी मैं आपको आगे। तो दोस्तों देखिए मैं अपने गांव के नजदीक पहुंच चुका हूँ लगभग। यहाँ पे देखिए कुछ मकान दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मकान यहाँ से पलायन हो चुका है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता दोस्तों, काफी दुख की बात है। तो यहाँ पे पहले दादा दादी रहते थे कुछ गांव के, तो जब से हो गए होंगे तो तब से मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता इस मकान में, इतना बड़ा मकान देखिए पलायन हो चुका है। यहाँ पे देखिए काफी दुखदायी है ये, देखिए तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो मैं नीचे की साइड चलता हूँ दोस्तों अभी। और देखिए दोस्तों ये रहा रास्ता नीचे जाने के लिए, यहाँ पे मेरा घर दिख रहा, जो पुराना घर था ये रहा सामने। तो यहाँ मेरी चाची ताई वगैरह रहते हैं। और देखिए ये मकान रहा मेरा, वो तो यहाँ पे देखिए मकान दिख जाएंगे आपको बहुत सारे गांव में, देखिए ऐसे मकान होते थे पहले टाइम में। दोस्तों मिलता हूँ आपको अपने घर में भी, जो ओल्ड घर था मेरा पहला पैतृक घर। और दोस्तों जा रहा मैं ऐसे, ये रास्ता रहा नीचे जाने के लिए, देखिए तो रास्ता ये रहा, देखिए ऐसा रास्ता है। तो देखिए मैं पहुंच गया यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये रहा मेरा पुराना घर, ओल्ड होम टाउन बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे कुछ मकान दिख जाएंगे आपको, देखिए इधर। और यहाँ से ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा मैं, देखिए सीढ़ियाँ यहाँ पे लगे हुए। और देखिए यहाँ पे रहता था मैं पहले, तो ये वाला कमरा था हमारा, देखिए यहाँ पे रहते थे हम पहले। तो यहाँ से बाहर का नजारा कैसा दिखता है, देखिए यहाँ से दूर दूर का नजारा ऐसा दिख रहा है यहाँ से, देखिए। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखिए जो पुराने मकान होते हैं उनमें ये छज्जे रहते हैं, ये बड़े देखिए कितने बड़े हैं, पत्थर पुराने टाइम के हैं। देखिए आज के टाइम में तो कोई सोच नहीं सकता ऐसा पत्थर पुराने का, देखिए एक नहीं बहुत सारे हैं, देखिए देखिए कितने बड़े बड़े हैं। पहले लोगों की मतलब मेहनत है ये, देखिए क्या शानदार बना रखा। और ये रहा नीचे का नजारा, देखिए पत्थर यहाँ पे भी लगे हैं, देखिए। और देखिए काफी शानदार नजारा, और गांव का नजारा यहाँ से भी दिख रहा है। आगे चलेंगे अभी हम, दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ का नजारा आगे का। उधर गाय उई रहते थे हमारे छन्नी उस साइड गौशाला, काफी शानदार व्यू देखिए यहाँ से दूर दूर का दिख रहा। और अब यहाँ से चलते हैं आगे, मैं आगे अपने घर से यहाँ से देखिए इधर से, और यहाँ से जा रहा मैं आगे, देखिए यहाँ पे भी कुछ मकान है देखिए सामने। और मैं देखिए यहाँ पे भी मकान है, देखिए देखिए। और इधर की साइड चलूंगा मैं, यहाँ से भी कुछ मकान दिख रहे हैं देखिए गांव में हमारे। और दोस्तों देखिए मैं इधर आ चुका हूँ, अब देखिए यहाँ पे पंचायत घर है हमारे गांव का, देखिए क्या शानदार बना है, देखिए यहाँ पे व्यू मस्त वाला व्यू। और यहाँ पे भी देखिए कुछ मकान है, देखिए पहाड़ी मकान ऐसे होते, देखिए पत्थर वाले मकान होते हैं, आपको मैं दिखा भी चुका हूँ आगे। और देखिए यहाँ पे शानदार बना है देखिए, और देखिए कितना मस्त है। देखिए नीचे की साइड चलता हूँ, यहाँ से सीढ़ी है देखिए जाने के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए बैठने के लिए बना रखे लोगों के लिए, काफी शानदार, सच में काफी शानदार है। देखिए गेट है यहाँ से, इसे खोलना पड़ेगा तो अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे काफी मस्त बन रखा है देखिए। तो यहाँ से नीचे चलते हैं अब और घरों में जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी साइड चलते हैं, यहाँ पे कुछ घर है यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है देखिए, यहाँ पे मकान देखिए, मकान पहाड़ी मकान। तो यहाँ पे बात करते हैं जरा कुछ गाँव के लोगों से, गांव में आ चुका हूँ यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे बात करते हैं आर्मी के जवान यहाँ पे हमारे गांव के, तो आपको कैसा लग रहा है बहुत टाइम बाद घर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अच्छा, और क्या बोलते हैं, घर का अच्छा वातावरण, अभी शुद्ध हवा, और देखो मौसम बारिश का हो रखा है। अच्छा, तो और आप देख रहे होंगे आज ही थोड़ा मौसम साफ हुआ है, नहीं तो 2 दिन लगातार 48 घंटे से यहाँ लगातार बारिश चल रही है। अच्छा, तो आपका शुभ नाम बता दीजिए हमें। शुभ नाम मेरा धीरज सिंह गुसाई। अच्छा,
तो घर में घर का माहौल अच्छा होता है कि बाहर का माहौल? यार घर का माहौल अच्छा ही होता है, बाहर में प्रदूषण पॉपुलेशन देख रही होंगे तुम, पॉल्यूशन कितनी ज्यादा है। अच्छा। और यहाँ पे अभी देखो आप कितने पेड़ हैं इधर हमारे इर्द गिर्द। हाँ, बाहर में तो काफी दिक्कत होती होगी, मतलब गर्म क्यों नहीं होती, वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना फैला था तो सब लोग घर आ गए थे, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो आप इस टाइम कहाँ कर रहे हैं जॉब अभी? अभी सर मेरी जॉब अंबाला में है अभी। अच्छा, अंबाला कैंट। अच्छा, तो कितने टाइम बाद आया आप घर में? हो गए बस वही 4-5 महीने। अच्छा, 4-5 महीने बाद आए, तो घर की तो बहुत याद आती होगी मतलब? हाँ बिल्कुल यार, घर की याद तो आएगी, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा, तो गांव की हर चीज दिखाता हूँ मैं अभी लोगों को। चलो धन्यवाद। अच्छा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा धीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप धीरज भाई की मम्मी, तो आपको कैसा लगा तो आपके आपका मतलब बेटा घर आया इतने टाइम बाद? अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है गाँव में? गाँव में तो अच्छा ही है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो चलते हैं यहाँ से अब गाँव के साइड। और देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं गाँव में, यहाँ पे मुर्गी ने बच्चे निकाल रखे थे, देखिए छोटे छोटे बच्चे, काफी मस्त व्यू यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, देखिए मुर्गी ने निकाल रखे बहुत सारे बच्चे, देखिए शानदार यहाँ पे काफी। और इस साइड चलते हैं अब, यहाँ पे इन्हीं भाई के हैं वो मुर्गी के बच्चे, देखिए यहाँ पे हमारे गांव के दिलवर भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, ये भाई शर्मा रहे हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ से काफी मस्त व्यू दिख रहा है, देखिए गांव का, देखिए यहाँ गौशाला उसला है, देखिए यहाँ पे बकरियां भी है, यहाँ पे बांध रखे देखिए। तो मैं उस साइड चलूंगा अभी, दिखाऊंगा वहाँ का व्यू भी आपको, काफी मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से तो गांव का, इस वाली एरिया से। देखिए यहाँ पे दिलवर भाई ने पाल रखे मुर्गियाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे काफी मस्त। तो आपको मैं अपने घर में भी दिखा, गांव में भी पाल रखे हैं, तो यहाँ इन्होंने भी पाल रखे, काफी अच्छा बिजनेस इनका। तो आगे चलता हूँ दोस्तों यहाँ से अब मैं। और दोस्तों देखिए अब मैं इधर की साइड आ चुका हूँ, गौशाले की साइड, देखिए यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे भैंस है, यहाँ पे बाहर रखे गाँव के लोगों ने, देखिए बकरियां हैं यहाँ पे बहुत सारी, काफी मस्त। मतलब गाँव में ये होता है रोजगार लोगों का, मतलब गाँव में काफी अच्छा लगता है, मतलब इतना टाइम बाद मैं भी आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ पे बकरियां बहुत सारी, भैंस ऊस है, देखिए ये दूध देते हैं तो लोगों को, मतलब बिजनेस है एक प्रकार से, मतलब गाँव में ऐसा होता है, मतलब ऐसे में पेड़ पाला जाता है। देखिए देखिए काफी शानदार। और ऊपर की साइड चलते हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ पे काफी बकरियां बहुत सारी, देखिए देखिए काफी शानदार बहुत सारी, मतलब कम से कम 30-40 बकरियां होंगी, देखिए काफी शानदार लग रहा मुझे इस टाइम यहाँ पे। और देखिए इधर गौशाला, और ये गौशाला हमारी भी हमारी थी, मतलब यहाँ पे देखिए तो मतलब ओल्ड होम टाउन है, तो मतलब मेरी पुरानी गौशाला ये हमारी, देखिए यहाँ पे देखिए। और देखिए यहाँ से ऊपर का व्यू दिख रहा शानदार, देखिए। और देखिए इस साइड बहुत सारी बकरियां हैं, यहाँ पे देखिए भेड़ पाल रखे, देखिए गांव वालों ने, देखिए तो यहाँ पे पाल रखे हैं कुछ, देखिए। और यहाँ पे देखिए एक भाई जा रहा है यहाँ पे इनको चराने के लिए, देखिए जंगल में, तो देखिए यहाँ पे चराने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं दोस्तों अब, यहाँ पे ये देखिए ऐसी गौशाला होती है, देखिए गाँव में, देखिए पत्थर वाली, तो पहले के लोगों ने बना रखी है काफी मेहनत से, देखिए देखिए कैसे पत्थर हैं इस पर लगे हुए, देखिए ऐसे वाले पत्थर मेहनत से काफी दूर से लाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ और नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे भी है एक गौशाला, तो इसमें कोई नहीं रहता, देखिए गांव में इतना पलायन हो चुका है, देखिए ये बंद है, यहाँ पे ताले लगे हैं, देखिए। तो इसमें कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले, मतलब गाय बकरी आ रहे थे, देखिए काफी दयनीय स्थिति है, देखिए तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, ताला लगा है, देखिए तो उस टाइम बाद ये टूट जाएगा तो बेकार होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी बांधे रहते थे कुछ टाइम पहले, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं गाँव में रहता था तो इसमें काफी चहल पहल रहते थे इस वाले मकान में। तो दोस्तों काफी दुख हो रहा मुझे भी, यहाँ पे कोई नहीं रहता, तारा लगा है, देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से चलता हूँ मैं आगे की तरफ अब, और अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे भी कुछ मकान है गांव के, और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे देखिए कार्य कर रहे। तो चलता हूँ ऊपर की साइड, और यहाँ पे एक भाई बैठा है छोटा सा, और क्या नाम है आपका, नाम क्या है? अतुल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, हाँ अच्छा, तो यहाँ पे भी उसकी ये बहन है ना आपकी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हो? आप कहाँ पढ़ते हो स्कूल में? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो हैं।
तो दोस्तों अब ऊपर चलता हूँ मैं यहाँ से और दिखाता हूँ नज़ारे गांव के। और अभी साइड चलते हैं यहाँ से देखिए आप गांव के कुछ बैठे हैं जिनसे बातें करते हैं। अच्छा तो आपको आपका नाम क्या है? अच्छा शर्माओ मत बोलो कोई बात नहीं। अच्छा तो आपको कैसा लगता है गाँव में? कैसा लगता है मतलब गाँव में? अच्छा तो आपको कितने साल हो गए गाँव में अभी तक यहाँ पे? अच्छा तो देख और से बात करते हैं तो अच्छा आपको तो पहली बार दिख रहा गाँव में, आप कहाँ से? अच्छा किस साइड से हो आप? अच्छा दस मेरी से। अच्छा हाँ तो आप तो यही से। अच्छा तो आपको कैसा लगता है यहाँ गाँव में? अच्छा तो आपको कितना साल हो गया गाँव में अभी तक यहाँ? अच्छा तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए खाना बना रही है, देखिए यहाँ पे देखिए इनका घर। हाँ यहाँ पे देखिए चावल बन रहे, यहाँ पे चूल्हे में देखिए पहाड़ी खाना सब बनता है। देखिए तो ये मकान रहा इनका, देखिए यहाँ पे पहाड़ी मकान ऐसे होते देखिए। हाँ और दोस्तों यहाँ अंदर चलता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मुझे अभी पता चला, देखिए यहाँ पे क्या भयंकर नजारा है। देखिए यहाँ पे दरार पड़ चुकी है मकान पूरी, देखिए जैसे मतलब जो सिमट में हो रहा खाना वैसी स्थिति मुझे यहाँ की दिख रही। देखिए तो ये मकान मतलब कहीं भी कभी भी धस सकता है दोस्तों। देखिए मतलब प्रकृति के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, प्रकृति उसका उल्टा है। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए क्या खतरनाक स्थिति हो रही है, मतलब ये कहीं भी टूट सकता है बरसात में, जैसे डर लग रहा। देखिए तो मेरी अगर इस वीडियो को कोई बड़ा आदमी देख रहा है या सरकार गवर्नमेंट के पास जाइए वीडियो, तो प्लीज कुछ हेल्प कीजिए इनकी। देखिए काफी भयंकर नजारा है, डर लग रहा है मुझको भी देख के यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या भयंकर नजारा, यहाँ पे दरार पड़ी है नीचे भयंकर वाली। देखिए ये यही रहे वो ताई जी गांव के हैं। अच्छा तो ये स्थिति कब से हो रखी है यहाँ पे दरार आ रखी जो? अच्छा तो आपने अच्छा ये बरसात के टाइम हुआ होगा है ना? अच्छा तो आपने आगे कोई मतलब आगे कुछ नहीं किया इसके लिए कैसा हो रखा? अच्छा हाँ ये भी बात है मतलब। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर कोई बड़ा आदमी देखे इस वीडियो को तो कुछ हेल्प हो जाएगी क्या पता। अच्छा हाँ हाँ तो हाँ दोस्तों देख रहे हो आप क्या भयंकर स्थिति है यहाँ पे। देखिए तो इनकी हेल्प कर सके कोई आदमी तो कर कीजिए प्लीज। तो दोस्तों इनके साथ बात करके काफी अच्छा लगा गांव के लोगों के साथ। और देखिए ये है वो जगह, देखिए यहाँ से नीचे जाएगा ये अंदर दिखाई जो दरार, तो देखिए नीचे तो और भयंकर है, अगर टूटेगा तो पूरा मकान जाएगा। देखिए ये रहा मकान। और दोस्तों देखिए अब मेरे घर जाने की तैयारी है। देखिए दोस्तों ये दूसरा रास्ता रहा, मैं पहले दूसरे रास्ते से आया था तो यहाँ से भी दिख रहा है। देखिए यहाँ से मेरा घर दिख रहा है, ओल्ड घर। देखिए यहाँ से सामने से देखिए यहाँ से शानदार व्यू दिख रहा गांव का। और दोस्तों मैं चलता हूँ इस रास्ते से घर, तो घर में मिलूंगा दोस्तों अभी आपको मैं। और दोस्तों देखिए अब मैं अपने घर में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों तो गांव में जाके काफी अच्छा लगा दोस्तों, इतने टाइम बाद जाने के बाद दोस्तों बुजुर्गों लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। और गांव में इतने टाइम बाद गया तो मेरी आंखें नम सी हो गई, बुजुर्गों लोगों से बात करके नम हो गई। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही थी प्लीज लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए दबा के प्लीज दोस्तों, हाथ जोड़ता हूँ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, मिलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।